हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बना रहे हैं बिरयानी। जी हाँ फ्रेंड्स, हम ये प्याज जो है ब्राउन कर रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर प्याज को फ्राई करेंगे और फ्राई जैसे ही ये थोड़ा सा कलर इनका ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें और मसाला जात ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये प्याज जो है ये भी ब्राउन हो रहे हैं, अच्छे खासे ब्राउन हो जाएंगे, इनका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें और मसाला जात ऐड करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और 5 मिनट के बाद ये प्याज जो हैं अच्छे खासे ब्राउन हो गए हैं, इनका कलर अच्छा खासा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं रेड चिली यानी कि सुर्ख मिर्च, और इसके बाद ये हम हल्दी ऐड कर रहे हैं टर्मेरिक यानी कि, अब हम इसमें नमक यानी कि सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, और अब हम इसको मिक्स करके इसमें टमाटर ऐड कर रहे हैं। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखें, टमाटर जैसे ही थोड़े से गल जाएंगे एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो टमाटर हैं ये अभी थोड़े से फ्राई हो रहे हैं, इनके नरम होने तक हम 5 से 10 मिनट इसका वेट करेंगे। जैसे ही टमाटर नरम हो जाएंगे और इनका अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा, देखें ये पेस्ट सा बन गया है, अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है फ्रेंड्स। और हमने इसको तकरीबन 10 मिनट तक फ्राई किया है। 10 मिनट के बाद ये पेस्ट तैयार हुआ है। आपने ध्यान रखना है कि कोई भी टमाटर साबुत नहीं रहना चाहिए, तमाम टमाटर जो हैं अच्छे से गल जाने चाहिए और एक पेस्ट बन जाना चाहिए अच्छे से। उसके बाद हम इसमें अब ऐड करेंगे चिकन। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं। चिकन ऐड करके हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करें आपको किस किस्म की वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। फ्रेंड्स ये देखें, हमने तमाम जो चिकन था इसमें ऐड कर दिया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद हम इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही रहने देंगे। जैसे ये चिकन गल जाएगा, थोड़ा सा नरम हो जाएगा, ये देखें अभी चिकन को मैंने नरम होने के लिए छोड़ दिया है, और ये देखें तकरीबन पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया है और चिकन जो है अच्छे से गल चुका है। ये देखें जी, तकरीबन ये अच्छे से चिकन भुन गया और हम अब इसमें डाल रहे हैं पानी। पानी हमने चावलों के हिसाब से डालना है, जितने हमारे चावल होंगे यानी कि अगर हमारे पास 2 कप चावल हैं तो हमने उसके 2 से 4 हैं तो हमने उसमें 3 कप पानी डालना है। चावलों के हिसाब से ही पानी डाला जाता है फ्रेंड्स। ये देखें, अब हम थोड़ी देर के बाद हमारे चावल ये तैयार हो चुके हैं और हमने इस पर ऑनियन और कोकम्बर का सलाद बनाकर डाला है। जी हाँ फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी से ये लुक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।